Assalamualaikum असलम एवरी वन बिलशाह बड़े दिनों से पंजाबी जबान का एक शेर बहुत दिल को मैं कहता हूँ कि मैं मेरे पास अल्फाज नहीं है उस शेर की खूबसूरती को बयान करने के लिए शेर पंजाबी में है मैं पंजाब से हूं तो बड़ी माजरत के साथ होना तो ऐसे नहीं चाहिए लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मैं पंजाबी नेशनलिस्ट भी हूं मुझे लगता है कि मेरी जबान दुनिया की सबसे कदीम जबान है तो मेनू लगता है कि वैसे बोलनी तो मैं पंजाबी चाहिए लेकिन ओवरऑल मैं अपनी बात को समझाने के लिए उर्दू में बात करूंगा पंजाबी जबान का एक शेर है आपको पता है कैपिटलिज्म और कैम के जो जंग है वो मुझे लगता है जब तक दुनिया है तब तक ये जो जंग है वो रहेगी कॉल मार्क्स का आइडिया शायद उसमें इतना दम है कि वो आ, रहते दम तक जरूर सरवाइव करेगा और बहुत कॉम रेड ऐसे होंगे जिनको लगेगा कि नहीं यार इसके अंदर दम खम है असल में ये बात करता है गरीबों की गरीबों के हकूक की और इस चीज की कि कुछ लोग तो माशरे में ऐसे होते हैं जिनके पास दौलत बढ़ती 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 और इतनी बढ़ जाती है और कुछ लोग बेचारे बहुत नीचे जाते 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 और बहुत ही नीचे चले जाते हैं। बहुत ही खूबसूरत शेर मैं उसको समझाता हूं और मुझे नहीं लगता कि मैंने इससे खूबसूरत शेर कैम्यूनिजम के ऊपर या तकसीम की उस शराब के ऊपर के एक साइड पे तकसीम कैसे होती है और दूसरी साइड पे तकसीम कैसी होती है शेर देखें कहता है कि ऊंचिया उचिया कंधा ऊंची ऊंची ऊंचियां मतलब ऊंचियां मतलब बुलाई बुलंदी वालियां कि वो कहते हैं कि जो ऊंची ऊंची दिकंद कहते हैं दीवार को कि जो ऊंची ऊंची दीवारें हैं उन्होंने क्या किया कहता उचियां उचियां कंधा डक ली डक मतलब कहते हैं रोक लेना किसी चीज को कहना है उच्चिया उचिया कंधा डक लई सूरजनाई कह रहा है कि जो ऊंची ऊंची दीवारें थी देखो ये ख्याल इसलिए आया मैं बाहर धूप में बैठा हुआ था तो लॉन में एक दरख्त जो है उसकी छाओ की वजह से मुझे तक रोशनी नहीं पड़ रही थी तो ऐसे मैंने फील किया कि मोहल्ले में बड़ी बड़ी सोसाइटीज में जब चीजें बहुत कुसामी वंड है तो अक्सर ऐसे होता है कि एक ऊंची दीवार होती है ना किसी अमीर घर की ऊंची दीवार के नीचे जो गरीब के छोटे छोटे घर होते हैं ना वो बेचारे वैसे ही पिस जाते हैं वो इतने पिसते हैं उसका अंदाज चेक करें कहता है कि ऊंचियां उचिया कंधा की ऊंची ऊंची दीवारों ने क्या किया है डक लई रोक ली है सूरज की रोशनई के ऊंची ऊंची दीवारों ने सूरज की रोशनी को रोक लिया है अब होता क्या है कि देखो जब यहां पे सुबह सूरज निकलता है तो उस सूरज की जो रोशनी की तकसीम होती है जो खुदा ने तकसीम की है वो उस घर के लिए भी इतनी है इस घर के लिए भी इतनी है इस घर के लिए भी इतनी है और इस घर के लिए भी इतनी है पर होता क्या है कि जब खुदा की बांटी हुई रोशनी जमीन तक पहुंचती है तो ये जो ऊंचे घर की दीवार है ये छोटे घरों तक वो रोशनी जो खुदा ने तकसीम करके भेजी है ये बड़ी दीवार उस छोटे घर की खुदा की तकसीम की हुई रोशनी को भी छीन लेती है तो कहता है कि उच्चियां उच्चिया कंधा ये ऊंची ऊंची दीवारों ने क्या किया डरज सूरज रोशनाई के सूरज की रोशनी को इस ऊंची दीवार ने रोक ली है और क्या हुआ है? है कि साढे साढे दी वंडी धोप भी मतलब हमारे कि हमारे रब की वंडी मतलब होता है बांटना बचपन ने सुने होना चीज बालो बांटना और बांट कौन रहा है खुदा बांट रहा है और जब खुदा बांटता है तो सबको बराबर बांटता है वो अमीर गरीब ऊंचा नीचा उसका फर्क नहीं डालता फर्क किसने डाल दिया है फर्क इस ऊंची दीवार वाले ने डाल दिया कहते साडे रब दी वंडी धोप भी हाय साडे घर न आई के क्या हुआ कि जो ऊंची ऊंची दीवारें हैं, उन दीवारों ने सूरज की रोशनी को रोक लिया और मेरे रब ने वो धूप जो ऊपर से बराबरी बांट के भेजी थी वो भी इस 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 कुसामी वंड की वजह से इस अन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज की वजह से वो धूप जो मेरे रब ने मेरे लिए भेजी थी वो भी मेरे घर नहीं आई उचिया उचिया कंधा डक लई सूरज दशनई साडे रब दी वंडी धूप भी आई खैर ये पंजाबी जबान की जो जदीद शायरी है उसमें रऊफ शेख हैं जो सी ਇਸ ਇਸ ਕਿ ਸਿਲੇਬਸ ਮੇਂ ਵੀ ਆਪਕਾ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਤੋ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੀ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੇਰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹ ਮੈਂ ਸ਼ੇਰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ 89 ਮਾਰਕਸ ਹਨ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕੀਤੀ ਸੀ तीबी नहबत करके पंजाबी पढ़ो इंशाल्लाह शाह 95 मार्क्स आगे विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर सी एस एस ट्वेंटी ट्वेंटी, ट्वेंटी टू आ, मैं आजकल बहुत ज्यादा मसरूफ हूँ जिसकी वजह से मैं कोई भी सेशन नहीं पढ़ा पा रहा तो लेकिन मेरी वीडियोस अवेलेबल हैं आप पंजाबी की वीडियो देखें यूएसएस टी की वीडियो देखें वैसे ओवरऑल कोई वीडियो देखें तो आपको काफी समय लग जाएगी तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें बस एक दफा एट द कॉस्ट ऑफ ये मेरे दिल के बहुत करीब है मैं इसको रिपीट करना चाहता हूँ कहते हैं कि उचिया उचिया कंधा ढकली सूरज की रोशनाई साडे रबी धुप भी साई